हेलो दोस्तों, वेलकम टू साधना टेरेस गार्डन। दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज आप देखेंगे कि हम चावल कैसे बनाते हैं। दोस्तों, चावल ये नहीं है कि आप घर में ही खाएं, कोई भी तीज त्योहार में भी चलते हैं ये चावल, भगवान के प्रसाद में भी चलते हैं। मैं दही के चावल, इमली के चावल, टमाटर के चावल, सब तरह की वैरायटीज़ बता चुकी हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा यहाँ पर शादी ब्याह में भी, ये तमिलनाडु है, मैं चेन्नई में रहती हूँ, तो यहाँ पर ये सब शादियों में भी बनते हैं। कोई भी फंक्शन हो, पार्टी हो, बर्थडे पार्टी हो, सब में ये यूज कर सकते हैं। आप ये नहीं सोचें कि ये हमारे चावल सिर्फ घर में खाने के लिए ही हैं, सिंपल खाना है ये, ऐसा नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा टेस्टी खाना है, हेल्दी एंड वेल्दी। दोस्तों, आज हम प्याज टमाटर के चावल बनाना सीखेंगे। देखिए, हमने इसमें प्याज काट लिए हैं, इधर हमने करी पत्ता लिया है, धनिया मिर्च फाइनली चॉप्ड किया हुआ है। कढ़ाई में हम अभी इसको फ्राई करेंगे। इसमें हमने 2 स्पून बड़ी वाली ऑयल ले लिया है, वन स्पून राई डालेंगे, वन स्पून हल्दी डालेंगे और 1 स्पून हरी मिर्च डालेंगे। राई को हमने अलग छोड़ते हुए डाला है दोस्तों, जिससे कि राई का जो तड़का लगे वो अलग रहे, हल्दी मिर्च अलग कलर बोले उनका। ये देखिए दोस्तों, अब इसमें हमने करी पत्ता भी डाल दिया है। आप करी पत्ता देख रहे होंगे, करी पत्ता अगर सूख जाए तो आप ये नहीं सोचें कि हम ये क्या है, इसका वेस्ट हो गया, यूज नहीं कर सकते। नहीं दोस्तों, आप जरूर यूज कर सकते हैं, ज्यादा यूज नहीं करें, 8-10 लीव्स तो एक पूरे घर के खाने में आराम से डाल सकते हैं। इससे खुशबू भी अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा बनता है, साथ में हम इससे हेल्दी खाना बनाते हैं। ये सब चीज़ इसमें मसाले जो पड़ते हैं ज़्यादातर फायदे के लिए होते हैं दोस्तों। अब हम इसमें देखिए, मसाले हमारे फ्राई हो चुके हैं, इसमें हम ऑनियन डाल देंगे। आप ऑनियन देख पा रहे हैं, फ्राई हो रही है हमारे, इसको हम स्लो गैस में रख के ही ढक के पकाने रखते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और 1 स्पून सॉल्ट डाल दें और डालकर हम ये देखिए 1 स्पून सॉल्ट वो हम इसमें कढ़ाई में डाल देंगे। कम ज्यादा लगे तो आप बाद में टेस्ट करने के बाद ऐड कर सकते हैं। ये सब अपनी इच्छा पर निर्भर करता है कि हमारे घर में कैसे स्वाद का खाना खाते हैं, तो थोड़ा फेर बदल हम कर सकते हैं। हो चुकी है, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। इसमें फुल फ्राई होने के बाद टमाटर नहीं डालते, थोड़ा पहले डालेंगे तो ये क्रंची रहेगा और प्याज टमाटर के चावल में अच्छा लगता है। ज़्यादा कच्चा नहीं रहना चाहिए प्याज, थोड़ी देर और 2 मिनट रख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने टमाटर ग्राइंड करके इसमें डाल दिए हैं। इसमें हमने ऑनियन ली है 4 और टोमेटोज लिए हैं 5, क्योंकि टोमेटोज थोड़े छोटे थे और ऑनियन ज़्यादा अच्छी भी लगती है दोस्तों। ये अपने घर के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से हम खाना बना रहे हैं, आप अपनी चॉइस के हिसाब से और क्वांटिटी के हिसाब से आइटम ले सकते हैं दोस्तों। बस इसको हम दोबारा ढककर बॉईल कर सकते हैं दोस्तों। ये राइस कुकर में हमने चावल बना लिए थे दोस्तों, अब इनको हम
अलग अलग खिला लेंगे। अलग अलग कर लेंगे तो चावल में प्याज टमाटर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा। देखिए दोस्तों, प्याज टमाटर का मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें चावल बॉईल करे हुए जो हमने पहले से 1 घंटा पहले भिगो दिए थे और राइस कुकर में पकने रख दिए थे अच्छी तरह से 2-3 पानी में साफ करके, और वो चावल हमारे रेडी हैं। हमने उनको अलग अलग खिला लिया है और इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल तैयार है हमारे प्याज टमाटर के चावल। देखिए, एक एक चावल में प्याज टमाटर मिक्स हो चुका है। यही तरीका है कोई भी चावल बनाने का। देखिए कितना बढ़िया हमारे चावल बन के रेडी हैं। आप लोग खुद खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, अपने बच्चों को खिलाइए। बहुत ही टेस्टी चावल तैयार। दोस्तों, मैं साधना टेरिस गार्डन से साधना बात कर रही हूँ। आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों।